कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल का वह सबसे छोटा से छोटा बिल्डिंग ब्लॉक, जिससे छोटा उसका पार्टिकल अगर वो कर देते हो बाय चांस, तो उसकी प्रॉपर्टी ही फुलफिल ना हो, उसकी प्रॉपर्टी ही फुलफिल ना हो। जैसे अब मान लो मैं तुमको बोलता हूं H2 है ना, क्या है, हाइड्रोजन या वाटर है, उसे तोड़ते तोड़ते तुम इतना कर दिए कि तुम H2O को भी अलग अलग कर दिए, नहीं ये हालांकि मॉलिक्यूल हम बोलते हैं केमिस्ट्री में, क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूल बोलते हैं, बोलते हैं ना। मैं बोल रहा हूँ एटम की बात कर रहा हूँ, एटम भी वही है, कोई भी पार्टिकल से छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक, सबसे छोटा से छोटा, उसी को हम बोलते हैं एटम, उसी को बोलते हैं हम एटम, ऐसा नहीं। अब वो छोटे से चीज के बारे में मुझे पूरी डिटेल में स्टडी करना है, पूरा डेप्थ में स्टडी करना है, आखिर क्या होता है, कैसे होता है, मैं पूरी इसकी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले जो बात किया, जो चर्चा किया, जो समझाने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, वो साइंटिस्ट थे और उनका नाम था थॉमसन। क्या नाम था बाबू? उनका नाम था थॉमसन। तो थॉमसन ने एटम के बारे में बताया, थॉमसन ने एटम के बारे में बताया कि एटम क्या चीज है, ठीक है। तो एटम का क्या उनका ऑब्जर्वेशन था, हम पहले वो पढ़ेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहला थॉमसन, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल मतलब थॉमसन के हिसाब से एटम कैसा होता है, क्या होता है ना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो थॉमसन ने बताया कि आखिर एटॉमिक मॉडल एटम कैसा होता है। तो इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बताया, इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बताया। श्रेया कहाँ देख रही हो? यहाँ यहाँ ध्यान दो बोर्ड पे, है ना। क्या हो गया एटम, क्या हो गया यहाँ पे, इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बताया। इन्होंने बताया कि आप लोग तरबूज खाए हो, तरबूज है बाबू, कोई ऐसा बच्चा है जो तरबूज ना देखा हो, खाया ना हो, ऐसा कोई है? सब लोग देखा है, सब लोग खाया भी है। तो थॉमसन ने बोला कि एटम नहीं, आप तारबूज मान, क्या मान लो, तारबूज, वाटरमेलन, वाटरमेलन मान लो, ठीक है, वही एटम है। एटम बिल्कुल तारबूज की तरह होता है, स्फेरिकल इन शेप। उन्होंने बोला एटम कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है, और जब तारबूज को काटते हो तो लाल 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 कुछ कुछ रहता है, रहता जो तुम खाते हो। तो उसको बोला कि वो लाल लाल के जगह पे एटम के अंदर वो पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है पूरा में भरा हुआ, जो लाल लाल वाला पार्ट है ना, वो सब पूरा क्या है, पॉजिटिव पूरा चार्ज होता है। और जो काला काला बीज निकलता है, जिसको तुम फेंक देते हो खाते वक्त, है ना, वो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है ना, यानी कि जितना ये जो है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे जो वाटरमेलन में बीज होता है ना, बीज को तुम मान लो इलेक्ट्रॉन, मतलब निगेटिव चार्ज, क्या मान लो, निगेटिव चार्ज मान लो, ठीक है, निगेटिव चार्ज मान लो। तो लाल वाला पार्ट बोला पॉजिटिव चार्ज, और सीड जो बीज होती है ना, जिसको तुम लोग बिच्चा बोलते हो, है ना, उसको क्या मान लो, उसको मान लो कि वो सब निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मिला करके ऐसा सिस्टम होता है कि जितना पूरा मिला के पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही उसमें निगेटिव चार्ज भी होता है। तो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, और चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। थॉमसन ने बताया कि जितना इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है,
उतना ही इसके अंदर निगेटिव चार्ज भी होता है। और ओवरऑल अगर बात किया जाए पूरे तारबूज की तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो ओवरऑल क्या होता है बाबू, ये ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल पूरा एटम न्यूट्रल होता है, ये थॉमसन ने बताया। ये कौन बताया, थॉमसन ने। इन्होंने किसे में कंपेयर कर दिया, वाटरमेलन, प्लम पुडिंग, है ना, एक केक बनता है ना, क्रिश्चियन लोग केक बनाता है, उसमें ना बीच बीच में क्या होता है, पुडिंग होते हैं, क्या होते हैं, पुडिंग। एक आइसक्रीम भी आता है ना भाई, आइसक्रीम एक होता है ना वो वाला, क्या बोलते हैं, चॉकलेट वाला, उसके बीच बीच में आइसक्रीम खाते रहो ना, बीच में कुछ और निकल जाएगा इतना बड़ा, है क्या बोलते हैं, चौको चिप्स निकल जाता है। चलो ठीक है ना, तो चौको चिप्स क्या है, वो निगेटिव का काम कर रहा है, निगेटिव चार्ज है ना, हालांकि अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कंकड़ आ गया, ऐसा नहीं लगता है, वो स्वाद को और बढ़ाता है। और ये आइसक्रीम है पूरा आपका, है ना, पूरा केक है और ये पुडिंग है, ठीक है। तो ये पूरा प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको बोलते हैं, या इसको वाटरमेलन की तरफ से भी कंपेयर करते हैं, ठीक है। इन्होंने सिंपल बोला है ना। अब तुम बोलोगे सर तारबूज तो हम जिंदगी भर बचपन से खा रहे हैं, थॉमसन को बोलने क्या जरूरत है, मेरा ही नाम लिख देते है ना, है वाटसन जीतेस मॉडल एटॉमिक है भाई सर, इसी में है ना कोई, है वाटसन जीतेस, है ना, बोला सर थॉमसन का, अच्छा तो मेरा नाम लगेगा यहाँ पे, वाटसन जीतेस एटॉमिक मॉडल, ऐसा बोलो सर, है ना। तारबूज तुम तो कितने खा गए थे, जितना खेत में फरा नहीं ज्यादा तुम खा चुके हैं, है ना, ऐसा नहीं। तो वही चीजें बताएं यहाँ पे, है ना। ये अभी तुम लोग को और है आइटम के, अच्छा और भी बहुत सारी चीज है जो तुम लोग खोजना है, ऐसा मत सोचो कि थॉमसन ने एटॉमिक पर कब्जा कर लिया तो बाकी दुनिया खत्म हो गई, है ना। अभी आईटी में जाओगे वहाँ पे आप लोग रिसर्च करो, आप लोग को वहाँ पे टाइम दिया जाएगा 3 महीने का, प्रोजेक्ट करो, अच्छा अच्छा नया नया खोज करो, है ना, और अपने नाम पे कुछ रिसर्च करो, तभी आईआईटी का सक्सेस है, अदर आईआईटी में पढ़ना भी बेकार है, समझे, है वहां पे जाके कुछ क्रिएटिविटी करो, नया करो, है ना, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल, तो थॉमसन ने बेटा ये बोला है ना, क्या बोला, क्लियर हो गया। ये पूरा एटम स्फेरिकल शेप में होता है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज भरा होता है और बीच बीच में निगेटिव चार्ज होता है, और ओवरऑल अगर बात किया जाए तो पूरा 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 निगेटिव मिलकर के ओवरऑल पूरा स्फेयर, ओवरऑल पूरा स्फेयर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उससे कोई नेट चार्ज नहीं होता, उससे कोई नेट चार्ज नहीं होता है। बात समझ आ गया, ये थॉमसन ने बोला, समझा दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पंगा हो गया भाई साहब। पंगा क्या हो गया, कुछ कुछ चीजें ऐसी देखने को मिली जो थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो था वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या क्या था, क्या क्या था भाई साहब, तो इसमें ये देखा गया पहला कि इसमें से कुछ रेडिएशंस निकल रही है, क्या निकल रही है, रेडिएशंस निकल रही है ना, स्पेक्ट्रल सीरीज, क्या निकल रही है, स्पेक्ट्रल सीरीज निकल रही है, ये क्यों निकल रही है, इसका क्या सोर्स है, इसका क्या ओरिजिन है एटम के भीतर, इसके बारे में थॉमसन कुछ नहीं बोले, है ना, कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि आखिर इसमें से स्पेक्ट्रल सीरीज जो निकलता है, रेडिएशन जो निकलता है, एनर्जी जो निकलता है अलग अलग वेवलेंथ का, अलग अलग फ्रिक्वेंसी का, वो कहां से आ रहा है, उसका रीजन क्या है, उसका सोर्स क्या है इसके अंदर, ये थॉमसन नहीं बता पाया, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, है ना। तो इस वजह से क्या हो गया, वहां पर ये फेल्योर हो गया, क्या हो गया, यहां पर फेल्योर हो गया, पहला रीजन, पहला रीजन क्या हो गया, पहला रीजन, स्पेक्ट्रल सीरीज जो एटम से निकलती है वो क्यों निकलती है, उसका ओरिजिन क्या है, कारण क्या है, थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसके वजह से आपका स्पेक्ट्रल सीरीज नहीं होने के कारण थॉमसन मॉडल को थोड़ा साइड कर दिया गया। दूसरा,
जब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया बेटा, रदरफोर्ड ने जब एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल से एटम पे बम्बार्ड करवाया। क्या करवाया? अल्फा पार्टिकल से एटम पे बम्बार्ड करवाया। जब बम्बार्ड करवाया तो अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, वो डिफ्रैक्ट हो गया, स्कैटर्ड हो गया। क्या हो गया बाबू? अल्फा पार्टिकल क्या हो गया? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग हो गया। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग क्यों हुआ? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग क्यों हुआ, ये थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब नहीं कर पाया तो इसके वजह से थॉमसन की जो बातें थी एटॉमिक मॉडल के तौर पे, उसको फेल्योर माना गया। क्या माना गया? फेल्योर माना गया, ठीक है। और इसी कारण से थॉमसन मॉडल फेल हो गया, ठीक है। हैं? अब ऐसा मत बोल देना, जैसे अगर थॉमसन फेल हो सकता तो मैं आईआईटी में फेल हो जाता तो कौन सी बड़ी बात है। जब थॉमसन साइंटिस्ट होकर फेल हो गया तो मैं आईआईटी फेल हो जाऊंगा तो क्या बड़ी बात होगी, है ना? ऐसा मत बोल देना कोई, ठीक है भाई। आप लोग को आईआईटी पास ही होना है ना। थॉमसन भले फेल हो जाए, इसका रदर फोर्ड आएगा वही फेल हो जाएगा, बोर आएगा वही फेल हो जाएगा, तुम्हें पास ही होना है, ठीक है। तो क्या हो बेटा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल इसके वजह से फेल माना गया। क्लियर हो गया? उतार ले बाबू, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना इजी चैप्टर है ये, ठीक है। तो एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, एटम का एक पार्ट हमारा खत्म हो गया। जब थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल हो गया तो इसके बाद आए हमारे अगले साइंटिस्ट जिनका नाम था रदरफोर्ड, जिनका नाम था रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड के दो चेले थे, बीजर एंड मार्टिन। क्या नाम था बाबू? रदरफोर्ड के दो चेले थे, गीजर एंड मार्टबेन, ठीक है। चिला मतलब उनके अंदर में रिसर्च कर रहे थे, है ना, रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। गुरुजी थे उनके रदरफोर्ड, उनके गाइडेंस में लोग रिसर्च कर रहे थे। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने किया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग किया। क्या किया? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। तो लिखो बाबू अगला टॉपिक लिखो, अगला पार्टिकल, अगला टॉपिक लिखो, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिख रहा हूं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटर मतलब क्या होता है? फैल जाना, डेविएट हो जाना, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। क्या क्या इन्होंने इन्होंने क्या किया? तो गीजर एंड मार्सडेन जो दो लोग थे, उन्होंने रदरफोर्ड के गाइडेंस में इन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया। क्या लिया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। क्या लिया इन्होंने? रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इन्होंने लिया, ठीक है। ये ऐसा रेडियो एक्टिव सोर्स था, रेडियो एक्टिव मैं पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में पूरा डिटेल में, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, आपका केमिस्ट्री भी कवर करेगा, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है ना रेडियो एक्टिविटी के, और मैं यहां भी पढ़ाऊंगा, डबल फायदा आपको होगा, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ आपको न्यूमेरिकली बताऊंगा कैसे बनते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे तुम फटाफट उसका आंसर बना लोगे देखते ही। तो क्या हो गया बेटा? अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल को उन्होंने निकाला और उसको एक लगा दिया कॉलीमेटर। क्या लगा दिया बाबू? एक लगा दिया कॉलीमेटर। कॉलीमेटर का बस इतना काम था कि जो अल्फा पार्टिकल आए वो बिल्कुल सीधे चले जाए, ऐसे सीधा जाए। क्या जाए? कॉलीमेटर क्या करे? सीधा। और सीधा जाने के बाद, है ना, ये गीजर मार्सडेन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के आदमी थे, है ना, लोगों को सोना मिलेगा तो कनबाली बना देगा, गले का हार बना देगा, अंगूठी बना देगा, है ना। इन लोगों को सोना मिला तो इन लोगों ने अंगूठी नहीं बनाया, इन लोगों ने क्या किया,
फॉइल इन लोगों बनाया। ने एक पत्थर बनाया, क्या बनाया, चदरा टाइप का, सीट फॉइल, गोल्ड फॉइल बनाया ऐसे, है ना, इस पर यूज किया, ना कि गले का हार बना लिया, नहीं है भाई, ये अभी नहीं बनाया इन्होंने, ठीक है। अब बोलोगे कि सर आप लड़कियों पर कमेंट मार रहे हो क्या, नहीं, आजकल लड़के भी इयररिंग पहनते हैं भाई, ऐसा नहीं है, है ना, है लड़कियों पर कमेंट नहीं मार रहा हूँ, लड़के भी इयररिंग पहनते हैं और इन लोग भी पहन सकते थे, लेकिन इन लोग डिफरेंट टाइप के लोग थे, ठीक है। तो क्या हुआ, इयररिंग ना बना करके इन्होंने एक फाइल लिखा, क्या लिखा, गोल्ड गोल्ड फाइल लिया इन्होंने, उसमें इन्होंने अटैक करवाया, ठीक है। जब अल्फा पार्टिकल से अटैक किया, है ना, बम्बार्ड करवाया, तो देखा गया कि अल्फा पार्टिकल अलग अलग एंगल पे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है, कुछ पीछे भी लौट जा रहा है भाई साहब, अगर तो जा ही रहा कुछ पीछे भी लौट जा रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले ये देखा कि भाई कितना अल्फा पार्टिकल आ रहा है और कितना उसमें से किधर किधर जा रहा है, जब ये देख लिया जाए, इन्होंने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप लगा दिया, क्या लगा दिया बाबू, एक यहां पर माइक्रोस्कोप लगाया, क्या लगाया बाबू, क्या लगाया, माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप लगाया, क्या लगा दिया, एक माइक्रोस्कोप लगाया ना, और ये जो था स्क्रीन, ये था जेडनेस, क्या बोलेंगे जेडनेस को बाबू, क्या बोलेंगे, कौन बताएगा, पूजा, जिंक सल्फाइड, है ना, जिंक सल्फाइड स्क्रीन था, क्या था, जिंक सल्फाइड स्क्रीन था, तो अल्फा पार्टिकल जब अलग अलग एंगल पे आ रहा था, अलग अलग एंगल पे जब आ रहा था, तो माइक्रोस्कोप उसको डिटेक्ट कर रहा था, ये डिटेक्टर का काम कर रहा, ठीक है, और ये देखा गया कि होरिजेंटल से ये आखिर कितना एंगल पे जा रहा है, कितना एंगल पे अल्फा पार्टिकल आ रहा है, वो सबको एक्सपेरिमेंट के तौर पे इन्होंने पूरा ऑब्जर्व कर लिया, है ना, ठीक है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट था गीजर एंड मार्सडेन का, किसका था, गीजर एंड मार्सडेन अंडर द गाइडेंस ऑफ रदरफोर्ड, है ना, ये एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि कितने कितने एंगल पे कितने कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए हैं, वो उन्होंने पूरा पूरा ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है बाबू। जब ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, जब एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, तो उन्होंने एक ग्राफ बनाया, क्या बनाया, एक ग्राफ बनाया, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग दोनों के बीच में उन्होंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। ग्राफ कैसा आया वो देखते हैं हम लोग, इनका ग्राफ कुछ ऐसा आया, इनका ग्राफ कुछ ऐसा आया, यहां पर इन्होंने लिया था नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, स्कैटर्ड है ना, कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए हैं और किस एंगल पे हुए हैं, वो इन्होंने इस पे लिया, एक एक्सिस पे लिया एंगल, एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा, और ये है आपका एन, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर, कितने एंगल पे कितना नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, है ना, इसको इन्होंने वाई एक्सिस पे लिया और एक्स एक्सिस पे लिया इन्होंने एंगल लिया, ठीक है। तो ग्राफ जब बनाया उन्होंने, तो ग्राफ उनका इस तरह से निकल के आया, ठीक है, है ना, बात समझ आ गया बाबू, ऐसा ग्राफ बन के आया। तो इन्होंने देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो तो उसका तो बिना 0 डिग्री पर चला गया भाई साहब, कोई डेविएशन ही नहीं हुआ उससे, बहुत सारा मेजर जो है अल्फा पार्टिकल वो बहुत कम डेविएशन हुआ, है ना, डेविएशन ही नहीं हुआ, और बहुत ही कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो 90 और 90 से ज्यादा, 90 और 90 से ज्यादा एंगल पे डेविएट हुआ है
ना, ये 140 लिख लो, ठीक है, ओके 140 लिख लो बाबू, ठीक है। और यहां लिख लो 10 to the power 7, 10 to the power 6, 10 to the power 5, समझ रहे हो? 10 to the power 7 मतलब क्या हो गया? 10 to the power 7 का मतलब हो गया 100 लाख, यानी कितना हो गया? 1 करोड़। तो 1 करोड़ पार्टिकल जीरो पे चला गया हाँ, और 10 पार्टिकल जाएगा 90 से ज्यादा पे, तो कोई तुलना है भाई? 10 पार्टिकल जा रहा है कितना? 90 से ज्यादा पे, और 1 करोड़ जा रहा है कितना? ऑलमोस्ट जीरो पे, तो कोई कंपेयर है? हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे कि ऑलमोस्ट सारा का सारा पार्टिकल डेविएट ही नहीं किया, डेविएट ही किया, बहुत कम पार्टिकल जो है वो क्या हुए? वो डेविएट हुए, है ना। और इक्का दुक्का भी नहीं बोलना चाहिए, है ना, 180 डिग्री से रिटर्न हो गया, ऐसा इन्होंने इस ग्राफ से कंक्लूड किया। इस ग्राफ से ये पता चला कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डेविएट ही नहीं किया भाई साहब, सीधा पार हो गया बिना डेविएशन का, ऑलमोस्ट जीरो। कुछ हुए जो एंगल से डेविएट हुए, बहुत कम जो 90 से ज्यादा से डेविएट हुए, है ना, और बहुत कम जो 100 120 डिग्री से हुए, और इक्का दुक्का 80 डिग्री से डेविएट हुए, ऐसा इन्होंने इस ग्राफ से ऑब्जर्वेशन आया, ठीक है, बस में आ गया। इसी के ग्राफ को, ऑब्जर्वेशन को अगर मैं दिखाना चाहूं पिक्टोरियल में, तो देखो मुझे ऐसे दिखाना चाहिए। अगर मैं ये बोलूं कि ये तुम्हारा एटम है, ये तुम्हारा अगर एटम है पूरा, तो अल्फा पार्टिकल ये सेंटर है, अल्फा पार्टिकल क्या हुआ? सारे के सारे लगभग लगभग ऐसा ग्राफ बना बाबू, सभी लोग ऐसा देखने को मिला है ना, ऐसा आपको देखने को मिला है ना, कि मैक्सिमम जो पार्टिकल था वो सीधा निकल गया, सीधा निकल गया। बहुत कम पार्टिकल है जो ज्यादा एंगल से डेविएट हुआ, ठीक है, और इक्का दुक्का जो सीधे गया और सीधे रिटर्न हो गया 180 डिग्री से, बहुत कम पार्टिकल रिटर्न हुआ, बाकी सब के सब क्या हुआ है? एटम से बिल्कुल क्रॉस कर गया, सीधा क्या कर गया? सीधा क्रॉस कर गया। क्लियर बाबू सभी लोगों को? एनी प्रॉब्लम? देखे सभी लोग, क्लियर है? तो इससे ये पता चला हमारा, इससे ये पता चला कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे सीधे निकल गए, डेविएट ही नहीं हुआ। कुछ बहुत कम पार्टिकल हैं जो एंगल से डेविएट हुआ मोर देन 90, और इक्का दुक्का 180 डिग्री से रिटर्न हो गया, ठीक है। ये इनका विजर मार्जन का कंक्लूजन था, मतलब ऑब्जर्वेशन था, क्या था?
इनका ये ऑब्जर्वेशन रहा, ठीक है। जब ये ऑब्जर्वेशन रहा, जब ये ऑब्जर्वेशन रहा, तो इसका मतलब क्या कंक्लूड किया? इससे उन लोगों ने ये कंक्लूड किया कि अल्फा पार्टिकल होता क्या, पता बाबू तुम लोग? अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम में से जब दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लो तो क्या बन जाता है? Hg2+ बन जाता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा ना बाबू? भूल गया यस सर। है? हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लेते हो तो Hg2+ हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो यानी कि ये पॉजिटिव आयन हो गया। ये क्या हो गया बाबू? पॉजिटिव आयन हो गया, ठीक है। जब ये पॉजिटिव आयन हो गया, और ये पॉजिटिव आयन जब आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, और तुम बोल रहे हो कि तारबूज में हर जगह लाल लाल होता है, यानी हर जगह पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर यहां पर पॉजिटिव होता तो क्या ये इसको रिपेल नहीं करता? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप लोग रट के बैठे हो। अगर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यस और नो बाबू? क्या चाहिए था? पॉजिटिव चार्ज यहां भी भरा पड़ा है तो सारा रिपेल होना चाहिए था, सीधा क्यों निकल गया भाई साहब? तो इससे ये इन लोगों ने कंक्लूड किया कि थॉमसन ने जो बोला है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पूरा में पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। अगर पूरा में पॉजिटिव होता तो कोई भी अल्फा पार्टिकल सीधा नहीं निकल पाता है ना, वो जरूर रिपेल हो जाता, जैसे यहां पे रिपेल हो रहा है ना, ये भी रिपेल होना चाहिए था। तो इन्होंने ये बताया, इसका मतलब ये हुआ कि थॉमसन ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने फिर इसको चेंज कर दिया, उन्होंने बोला कि पूरा में पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है? सेंटर के इर्द गिर्द होता है। क्योंकि क्योंकि यहां पर जब अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो वो रिपेल हो रहा है, वो क्या हो रहा है? रिपेल्ड हो जा रहा है, और रिपेल होकर के वो स्कैटर्ड हो जा रहा है। रिपेल होकर क्या हो रहा है? वो स्कैटर्ड हो जा रहा है। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ होना चाहिए? पूरे में ना होकर के सेंटर के इर्द गिर्द होना चाहिए। उन्होंने ये कंक्लूड कर दिया रदरफोर्ड ने, और ये चेंज कर दिया, उनकी थॉमसन की धारणाओं को चेंज कर दिया, ठीक है बाबू? बात समझ आ गया? एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? किसी को दिक्कत है तो बोलो, है ना, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि ये बीच में पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, पूरे में नहीं हो सकता। दूसरी चीज थॉमसन की बात थी कि वो न्यूट्रल होता है, इस चीज को इन्होंने भी माना, रदरफोर्ड ने भी माना कि ओवरऑल न्यूट्रल, ओवरऑल एटम जो होता है वो पूरा का पूरा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कैसे होता है? तो बताया कि जितना पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के बराबर, निगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होते हैं, और वो इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं ऑर्बिट में। ठीक उसी तरह से जैसे सूरज के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, सन के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड ने बोला कि जिसिया में सेंटर के पास में पूरा का पूरा है ना, पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उस एरिया को इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया बाबू? इन्होंने नाम दिया इसको न्यूक्लियस नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस नाम दिया, है ना। एटम का वह सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल कोर, जहां पे ऑलमोस्ट सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एंड मास कंसंट्रेटेड होता है, उस एरिया को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया बाबू? उन्होंने इस कोर को बोला न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है इक्वल अमाउंट में, ताकि पूरा का पूरा एटम ओवरऑल न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। ठीक उसी तरह चक्कर काटता है जैसे प्लेनेटरी मोशन होता है, यानी कि सूरज के, सन के चारों तरफ
घूमते हैं, ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं के भीतर। यहां तक किसी को समझ में दिक्कत आ रही है बाबू? अमीश मंजूल है, अजय राज यस क्लियर है, श्रेया, सर, यस स्नेहा, पिंकी, अभय, अभियंका, सर, सुन आ रहा है? यस आप लोग को स्पेशल इसलिए पूछा जा रहा है कि ये बहुत ही वीक चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर है। इसमें आपसे भी उम्मीद की जाएगी कि आप भी 90 लेके आओगे नंबर इसके टेस्ट में, इसलिए आपसे बार बार पूछा जा रहा है। क्या कोई अर्जेंट? क्लियर है ना? क्या हो गया बाबू? तो ये चारों तरफ घूमता है ना, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको भी नंबर लाने पड़ेंगे इन चैप्टरों में 90+, ध्यान रखना। ठीक है, नहीं समझाया पूछ लेना बाबू, 1000 बार पूछ लेना, मैं 2000 बार बता दूंगा, लेकिन समझना जरूरी है। क्लियर हो गया बाबू? तो ये हो गया आपका ये, ठीक है, क्लियर है। तो इसके बेसिस पे उन्होंने मॉडल बताया, आइटम के बारे में उन्होंने समझाया, तो लिखो क्या बोला उन्होंने वो समझो। लिखो बाबू, लिखो रदरफोर्ड, लिखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, लिखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया वो क्या उन्होंने बोला उस बात की हम लिखते हैं। ठीक है, लिखो बाबू, लिख रहे हो सभी लोग? चलो लिखो। सबसे पहला उन्होंने बताया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल एंड मासिव सेंट्रल कोर, ए स्मॉल छोटा होता है और मासिव होता है, उसमें मास ज्यादा होता है ना। ए स्मॉल एंड मासिव सेंट्रल कोर इन विच द इंटायर पॉजिटिव चार्ज, इन विच द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द होल मास ऑफ द एटम, इन विच द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट द होल मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड। दिस कोर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ऑलमोस्ट द होल मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड। दिस कोर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। दिस कोर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि ये जो छोटा सा पार्ट है सेंट्रल में, जहां पे पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा ऑलमोस्ट मास यही कंसंट्रेटेड होते हैं, इन्हीं एरिया को, सेल कोर को नाम देते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? क्लियर है बाबू? डन। फिर लिखो ये न्यूक्लियस का साइज कितना था, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। न्यूक्लियस का साइज कितना था, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। क्या बोला? तो लिखो द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ब्रैकेट में लिख लो, इन ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -15,
10 टू द पावर माइनस 15 मीटर साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ब्रैकेट में लिखो ये किस ऑर्डर में होता है, 10 पावर माइनस 15 मीटर के ऑर्डर में होता है ना, ठीक है, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, और एटम के साइज के बगल में लिख देना, यही चीज लिखना ब्रैकेट में, बस फाइव के जगह पे जीरो कर देना, फाइव के जगह पे जीरो कर देना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधी हुआ कि एटम का साइज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के रेडियस में होता है साइज का, और 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के साइज का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस और पूरे एटम के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 टू द पावर 5 डिफरेंस है, और 10 टू द पावर 5 अगर मैं बोल पा रहा हूं, इसका मतलब समझ अंदाजा लगा लो 1 लाख, यानी एटम का साइज अगर अगर 1 मीटर है तो एटम कितना होगा, 1/1 लाख, 1 लाख गुना छोटा, समझे, तो न्यूक्लियस का साइज क्या होता है बाबू, 1 लाख गुना छोटा होता है पूरे एटम के साइज से, बात सुना रही है ना, तो इन्होंने ये भी बताया था, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो भाई, रदरफोर्ड का तीसरा पॉइंट लिखो, फिर इन्होंने इस पे आए, इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे काटता है, उन्होंने इसके बारे में भी चर्चा किया है ना, तो लिखो बाबू, लिखो द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई, थर्ड पॉइंट लिखो, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई Recording in progress. क्लियर है बाबू, क्लियर हो गया, थर्ड पॉइंट लिखो, रदरफोर्ड थर्ड पॉइंट क्या बताया वो लिखो, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई ए सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सराउंडेड बाई ए सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट देयर टोटल नेगेटिव चार्ज, सो दैट देयर टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस,
is equal to the total positive charge on the nucleus and the atom and the atom as a whole is electrically neutral ठीक है। तो क्या बताया इन्होंने, इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ है ना क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन का जो पूरा निगेटिव चार्ज होता है वह पूरे पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है, जिसके वजह से पूरा एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाता है। ठीक है, बात समझ आ गया सबको। चलो फोर्थ पॉइंट लिखवाओ, फोर्थ पॉइंट लिखो सभी लोग, लिखो फोर्थ पॉइंट। अब सवाल यह उठता है कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे इसके चारों तरफ क्यों घूम रहा है भाई, कैसे घूम सकता है। हमने तो सर्कुलर मोशन में यह पढ़ाया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करना करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है। तो यहां पर तरफ़ी बना हुआ नहीं है भाई साहब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, ये कैसे घूम सकता है। तो इसको घूमने के लिए भी उन्होंने रीजन बताया, कारण बताया है ना। रदरफोर्ड ने बताया कि इसको घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंटर के तरफ जो फोर्स चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है, इसका पॉजिटिव चार्ज इसका निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैट में मैंने पढ़ाया था पॉजिटिव एंड निगेटिव अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव एंड निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, जिसके वजह से इसको जो चाहिए घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स वो पूरा हो जाता है ना। सो रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। गॉट द पॉइंट, इस चीज को भी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया। तो लिखो फोर्थ पॉइंट, लिखो बाबू, लिखो द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, लिखो द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। चौथा पॉइंट लिखो द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट जस्ट एज प्लैनेट्स। सर रिपीट अगेन, देखो बेटा द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट जस्ट एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन है ना, जैसे प्लैनेट्स ग्रह सन के चारों तरफ घूमता है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रिपिटल फोर्स को, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है, लिखो द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर देयर रिवोल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये था हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक, ये क्या था हमारा, ये था हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। करेक्ट है, डन। एनी प्रॉब्लम किसी को भी?